कि एनीमिया ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़े। अगर हम सिर्फ अपना सिंपल न्यूट्रिशन ही इम्प्रूव कर लेते हैं, खाना पीना ही अपना इम्प्रूव कर लेते हैं और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं, तो उसी से हम एनीमिया को कॉन्कर कर सकते हैं। ज़्यादा पीरियड्स आना भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी, ठीक है। दूसरा फिर क्योंकि हाइजीन पुअर है तो पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो वो भी एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो भी एनीमिया का एक लीडिंग कॉज है। डाइट इम्प्रूव करने की जरूरत है स्कूल गोइंग लड़कियों में और यंग लेडीज में, जिन्होंने आगे जाके चाइल्ड बियरिंग वाली एज में जाना है। मिस कैरेज का तो अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर हैं। मैटरनल फैक्टर्स हैं, फीटल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो जो पेन से बचने के लिए सिजेरियन करवाती हैं यंग गर्ल्स, उनके लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि दर्द से बच के आप सिजेरियन का ऑप्शन मत चूज़ कीजिए। आजकल की दुनिया में पैसा एक बहुत बड़ी ताकत का है, ये सभी मानते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम उसके पीछे अपनी हेल्थ को गंवा दें। वो बहुत खुश होती हैं, खुद लेडीज़ भी बहुत खुश होती हैं। तो मैं खुद देख रही हूँ कि सोसाइटी में चेंज आ रहा है और हर चेंज धीरे धीरे आता है। नमस्कार, हमारे विशेष प्रोग्राम आपकी सेहत में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ। पिछले 22 सालों से ये महिलाओं का इलाज कर रही हैं। महिलाओं को किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं देव हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रीति देव। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप 22 साल का आपका कैरियर है जी, 22 साल हो गए आपको महिलाओं का इलाज करते हुए। हाँ जी। तब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी, एमडी किए हुए 22 साल आप हो गए। तो इस दौरान आपने देखिए बहुत सारे केसेस किए होंगे, तो महिलाओं को किन किन बीमारियों से, किन परेशानियों से जूझना पड़ता है? दीपक जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें नज़र आती है अपने उसमें, अपने आसपास के एरिया में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है खून की कमी जी, जिसमें कि जो प्रेगनेंसी में है लेडीज़ उनको भी बहुत सफ़र करना पड़ता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है, नॉन प्रेगनेंट स्टेट में है, या जो यंग गर्ल्स हैं उनको भी इस खून की कमी, एनीमिया बोलते हैं जिसको, उसकी वजह से बहुत सफ़र करना पड़ता है। अच्छा, देखिए एनीमिया ये बड़ी कॉमन सा नेम है, बहुत कई बार स्टडीज़ भी होती हैं, मेल न्यूट्रिशंस की बात होती है। भी आजकल कारण क्या है? देखिए एजुकेशन, क्या हम 75 साल के बाद आज भी अपनी जननी, देखिए जो अगर महिला सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, आने वाली नस्लों को जिसने जन्म देना है, तो उसको भी सुरक्षित नहीं कर पाए हैं आज तक हम। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारी एजुकेशन में, हमने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस चीज़ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं दिया जी, क्योंकि एनीमिया ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़े। अगर हम सिर्फ अपना सिंपल न्यूट्रिशन ही इम्प्रूव कर लेते हैं, खाना पीना ही अपना इम्प्रूव कर लेते हैं और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं, तो उसी से हम एनीमिया को कॉन्कर कर सकते हैं। देखिए दो तरह की, देखिए एक तो कामकाजी महिलाएं हैं, देखिए एक जो घर में भी बहुत काम रहता है महिलाओं को। कौन सी देखिए अगर हम बात करें तो किस कैटेगरी में ज़्यादा एनीमिया है? ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सभी महिलाओं में, चाहे वो कामकाजी हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, या इवन स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, सभी में एनीमिया बहुत ही कॉमन है। अच्छा, एक आपने बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं की मौत के 3 बड़े कारण हैं, जिसमें से एक एनीमिया है, मोस्ट कॉमन कॉज एनीमिया है। और बाकी 2 कारण जो हैं वो क्या हैं? एक ब्लड प्रेशर का बढ़ना प्रेगनेंसी में, और दूसरा डिलीवरी या उससे रिलेटेड इश्यूज में ब्लड लॉस। अच्छा डॉक्टर, देखिए आज भी जैसे आपने कहा है कि कारण क्या है एनीमिया के, भी अपनी डाइट के लिए क्या समय नहीं रह गया है महिलाओं के पास, या लैक ऑफ एजुकेशन है, नॉलेज की कमी है? मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों चीज़ें नहीं है, जस्ट एक एफर्ट्स की कमी है कि हम बस उस तरफ एफर्ट्स नहीं डाल रहे। हम उस चीज़ को, जैसे सिंपल सी चीज़ है कि अगर हरी सब्जियाँ, सभी को पता है हरी सब्जियाँ खून बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम अपने बच्चों को क्यों ये चीज़ नहीं सिखा पा रहे कि हरी सब्जियां खानी इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। जो जंक फूड और मैक्सिमम घरों में आलू रोज बनता है जी, है ना। आलू को छोड़ के अगर हम हरी सब्जियों की तरफ थोड़ा कंसंट्रेट करें, या ना भी छोड़ें, उन दोनों को मिक्स करके कुछ ऐसा, कुछ टेस्ट वाइज हम अपने बच्चों को दे पाएँ कि जिससे कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें जिनमें आयरन काफ़ी कॉमन है, उसकी तरफ जाएँ। जैसे एक हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज थी कि हम लोग पहले लोहे के बर्तनों में खाना बनाते थे पुराने टाइम पे, ठीक है ना। वो आजकल मुझे लगता है घरों में से लोहे की कढ़ाइयां तो बिल्कुल गायब ही हो गई हैं। बिल्कुल सही बात। अभी दोबारा अगर आने लगी हैं ड्यू टू सम जो हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उनकी वजह से, तो मैं कह नहीं सकती, अदरवाइज तो घरों में से लोहे की कढ़ाई बिल्कुल गायब हो गई है। आजकल तो नॉन स्टिकी पे खाना बनाने लगे ना लोग। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि अगर हम लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं तो वो उसके आयरन कंटेंट की वजह से वो काली हो जाती है सब्जी, तो अपीयरेंस उसकी थोड़ी अच्छी नहीं रहती, शक्ल अच्छी नहीं रहती सब्जी की, लेकिन उसके जो गुण है हमने वो भी छोड़ दिए उसके लिए। मतलब उसकी अकल अच्छी रहती है, अकल मतलब सूरत नहीं देखी, तो उसके साथ साथ हमने उसकी जो गुण थे वो भी छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब देखिए, कई चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं। अगर आजकल तो वैसे भी ज़्यादा बच्चों का ज़माना नहीं रह गया, महंगाई हो गई या एक फैशन ट्रेंड हो चला है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके एक या मैक्सिमम दो हैं, और एक और दूसरा सेगमेंट भी है जिनके मल्टीपल चिल्ड्रन से, तो इसमें इन चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, जो मल्टीपल जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, स्पेशली जो हमारी लेबर क्लास है, वो ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उनको पढ़ाना लिखाना तो है नहीं अपने बच्चों को, ना वो कोई ज़्यादा खर्च करते हैं। उनको ये लगता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने हमारे लिए कमाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, कमाने वाले हाथ ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस जगह पे हमें समहाउ हमें कंसंट्रेट करना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ। अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ उन लोगों को, उस लेबर क्लास को किसी तरह से भी दे पाएंगे, चाहे गवर्नमेंट हेल्प की तरह से, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ की तरह से, ठीक है, चाहे हम कोई सोशल स्कीम्स की तरह से, तो मे बी उनको, जब उन लोगों को भी थोड़ा सा ये रियलाइज़ होगा कि हमारे पास सिर्फ खाना पीना ही वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अर्न करना ही नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक चीज़ होती है, साफ़ सफाई और बाकी सारी चीज़ें, हाइजीन, ये सब। अगर हम उनको इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा मोटिवेट कर पाएँ उस क्लास को, तो मेरे ख्याल वो भी हमारे इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अनीमिया जो आपने बताया है कि देखिए, तो एक तो इसके बेसिकली, एक तो आपने बताया हमारा खान पान ठीक नहीं है, उसके कारण अनीमिक है, कोई इसका कोई और भी रीज़न है भी, क्योंकि महिलाओं को जो है साइकिल भी है और भी कई चीज़ें हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ज़्यादा पीरियड्स आना भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जी ठीक है। दूसरा फिर क्योंकि हाइजीन पुअर है, तो पेट में जब कीड़े हो जाते हैं जी, तो वो भी एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो भी एनीमिया का एक लीडिंग कॉज है जी। तो जी जी जी, उसके साथ साथ हमारी जो मल्टीपल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो भी एक खून नहीं बनने देगी। तो इस तरह से मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एनीमिया अभी भी बहुत कॉमन है। अच्छा, ये बड़ा मैं सुन के हैरान हूँ कि एनीमिक हैं तो, लेकिन महिलाओं, खून तो है नहीं उनमें, कम है यहाँ तो, और हाई बीपी बहुत रहता है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहता है, ये कैसे है? खून कम होना और ब्लड प्रेशर हाई होना दोनों अलग अलग, उनके दोनों जो फिजियोलॉजी है ना, पैथोलॉजी, दोनों के अलग अलग रीजंस होते हैं जी। खून कम होने के रीज़न खून कम बनना हो सकता है, ब्लड का लॉस ज़्यादा होना हो सकता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने का यूजुअली जो है या किडनी डिजीज से रिलेटेड होता है या इडियोपैथिक होता है कि उसका कोई रीज़न नहीं है, जैसे कि हाई स्ट्रेस लेवल हो गया, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल इन दोनों से भी अलग रीज़न होता है जी। प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स प्लेसेंटा सेक्रीट करता है, उनकी वजह से मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो डॉक्टर साहब, एक ये भी आप, ये दो कारण हो गए, और तीसरा बड़ा कारण क्या है? और इन साथ ही मेरा ये सवाल है भी, इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका भी दोबारा दूसरा जन्म होता है। बिल्कुल, उसका रीज़न यही है ना कि जैसे ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, ब्लड लॉस काफ़ी कॉमन है जी। अगर हमारा बेसिक जो स्टार्टिंग ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल है, खून का जो लेवल है, वो 12 ग्राम से होगा, अगर हम वहाँ से प्रेगनेंसी की अपनी स्टार्ट करेंगे तो अगर थोड़ा सा डिक्रीज़ भी हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे खाना वगैरह नहीं खाया जाता, थोड़ा सा न्यूट्रिशनल लेवल हो जाता है, आयरन का इंटेक नहीं कर पाती लेडी, थोड़ा 12 से कम भी हो जाएगा, 9-10 भी हो जाएगा, तो भी वो ड्यूरिंग डिलीवरी जो ब्लड लॉस होता है उसको अच्छे से टॉलरेट कर लेगी जी। लेकिन अगर वो स्टार्ट ही, हमारा प्रेगनेंसी शुरू होगी तभी उसका HB वहाँ पे 7-8 होगा और कम हो जाएगा प्रेगनेंसी में, तो वो डिलीवरी के टाइम पे उस ब्लड लॉस को टॉलरेट नहीं कर पाएगी और उसकी जान को खतरा होगा फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या देखिए एनीमिया आमतौर पर तो लोग अपने ब्लड टेस्ट कराते नहीं है, अभी तो कैसे उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं कि एनीमिक है, कैसे पता चलता है? बिल्कुल, एनीमिया का सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो है एनर्जी लॉस, ऑफ एनर्जी जी। थका महसूस होता है पेशेंट को, अपीयरेंस जो है उसकी, जो टंग और लोअर आईलिड है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो वो पेल हो जाती है, बिल्कुल येलो दिखने लगती है जी 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 जी। और जैसे थोड़ा सा चलने पे सांस फूलना लगता है, थोड़ा सा चलें या थोड़ा सा भी भागें तो उसमें थोड़ा सांस फूलने लगता है। बहुत ज़्यादा कम होने पे पैरों में स्वेलिंग वगैरह भी आ सकती है, पैरों पे स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग हो सकती है। तो डॉक्टर जो हाई बीपी है इसमें क्या चीज़, उससे लक्षण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं जी। उसको साइलेंट किलर इसीलिए कहते हैं कि उसके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, वो जब तक आप चेकअप नहीं करवाओगे आपको पता नहीं चल पाएगा कि हाई ब्लड प्रेशर है। बहुत अगर हाई स्टेजेस में बहुत हाई हो जाता है तब जाके थोड़ा सा हेडेक का सिम्टम आ सकता है। तो डॉक्टर साहब आपने देखिए, आपके पास जब आती हैं लेडीज़ तो आपने कुछ उनको डाइट प्लान, देखिए आजकल डाइटिशियन के पीछे लोग भागते हैं, तो क्या डाइट प्लान आप उनको बताती हैं भी आप अपनी डाइट से ही खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए तो समय रहा नहीं है किसी के पास, तो कुछ क्या एडवाइस करना चाहेंगी आप? देखिए एनीमिया के लिए, तो प्रेगनेंसी के लिए तो हमने एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाया हुआ जो हम अपने हर पेशेंट को देते हैं। इसमें बड़े सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको अगर चपाती नहीं अच्छी लगती तो आप राइस ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, दाल का चीला ले सकते हैं। वो मल्टीपल ऑप्शंस बना के वो हम अपने पेशेंट्स को दे देते हैं, एंटीनेटल पेशेंट्स को। तो वो अगर उसको फॉलो करेंगे तो उनका डाइट से ही काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो जाएगा। पर जो बेसिक हमारे को इस वक्त ज़रूरत है वो हमें अपना डाइट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, स्कूल गोइंग लड़कियों में और यंग लेडीज़ में जिन्होंने आगे जाके चाइल्ड बेयरिंग वाली एज में जाना है जी। क्योंकि अगर हम हमारा बेस लाइन अच्छा होगा, हम स्टार्ट करेंगे, हमारे जब बच्चे छोटे बच्चे होंगे उनमें अगर 12 ग्राम HB होगा स्कूल्स गोइंग गर्ल्स में, तो ही वो जब यंग एडल्ट बनेंगी, चाइल्ड बेयरिंग वाली एज में आएंगी, तो वो फिर उसको ब्लड लॉस को अच्छे से वो कर सकती हैं, टॉलरेट कर सकती हैं। तो प्रेगनेंसी के बाद जैसे तो किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल ये भी बड़ी चीज़ कॉमन है कि मिस कैरेज हो जाता है। मिस कैरेज का तो अर्ली प्रेगनेंसी में इसमें भी बहुत सारे फैक्टर हैं, मैटरनल फैक्टर्स हैं, फीटल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जैसे आजकल पोल्यूशन को भी एक हम रीज़न मान के चलते हैं कि जो अबॉर्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं जी। तो बाकी जो हमारे डाइट में और लाइफस्टाइल में जो चेंजेस होते हैं वो हम अर्ली प्रेगनेंसी में, अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ी सी केयर इम्प्रूव करें और अर्ली जो हम अपनी जैसे ही यूजुअली हमारे यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं जब 3 महीने हो जाते हैं कि 3 महीने हो जाएंगे तब हम दिखाएंगे, उससे पहले क्या दिखाना है जी। तो अगर हम प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही अपनी एंटीनेटल केयर स्टार्ट करेंगे तो हमारे ये फैक्टर्स काफ़ी हम कम कर सकते हैं। अच्छा साहब, ये भी आज चलन बात है, देखिए दो धारणाएँ हैं, एक तो कहते हैं कि सिजेरियन बढ़ गए और दूसरी चीज़ मैंने कई मेट्रोपोलियन सिटीज़ में देखा है या मैंने पढ़ा भी है बहुत भी, पेन से बचने के लिए खुद पेरेंट्स या लेडीज़ ये कहती हैं कि हमारा सिजेरियन कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, दोनों चीज़ें बहुत कॉमन हैं। तो जो पेन से बचने के लिए सिजेरियन करवाती हैं यंग गर्ल्स, उनके लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि दर्द से बच के आप सिजेरियन का ऑप्शन मत चूज़ कीजिए, क्योंकि पेन से बचने के लिए हमारे पास पेनलेस डिलीवरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें पेन्स हम बिल्कुल ऑलमोस्ट नील हो जाती है पेन का सेंसेशन, बट नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस हमारा चलता रहता है और डिलीवरी बिल्कुल पेनलेस हो जाती है। तो वो ये आजकल हमारी जो नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन हमारे यहाँ लोग उस चीज़ को ऑप्ट नहीं करते, ऑप्शन नहीं लेते उस चीज़ का। अगर मैं बताती भी हूँ कि अगर आप पेनलेस डिलीवरी के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तो कहेंगे नहीं जी, पहले भी यूजुअली जो घर की बड़ी बूढ़ी लेडीज़ होती हैं वो कहेंगे पहले भी तो बच्चे होते थे, सब पेन्स लेके ही डिलीवरियां करवाते थे, तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब जबकि अब देखिए पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, आज डेवलपमेंट बहुत हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीपक जी, बिल्कुल सही है। साइंस ने और टेक्नोलॉजीज़ ने जो प्रोग्रेस करी है उसका हम क्यों ना अपने बच्चों को उस चीज़ का फ़ायदा दें। ज़्यादा सिजेरियंस करने की बजाय अगर हम पेनलेस डिलीवरीज ज़्यादा करेंगे तो बच्चियों के दिमाग से ये निकल जाएगा कि पेन बहुत होती है लेबर में। तो डॉक्टर साहब कुछ इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं आपके पास जो आजकल बड़ा माहौल चल पड़ा है ना, ग्रह दशा देखकर जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म हो, बिल्कुल, तो वो ऐसे भी आते हैं, तो फिर उनको कैसे आप समझाते हैं या फिर उनके कहे अनुसार जो समय वो बताते हैं भी वो उसी समय उसकी डिलीवरी करवाते हैं, फिर उसके लिए तो कोई ऑप्शन रहती नहीं है डॉक्टर के पास भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो समाज में हो रहा है वही हमारे साथ भी होगा जी। बहुत सारे पेशेंट जब हम उनको इलेक्टिव सिजेरियन किसी भी वजह से करना पड़ जाता है उसका वो देते हैं, तो वो कहेंगे हम अपना टाइम निकलवा के आएंगे, हम उस टाइम पे करवाएंगे जी। तो फिर हमें भी उस चीज़ को फॉलो करना, जहाँ तक पॉसिबल है जहाँ तक पेशेंट के लिए, बेबी के लिए या हमारे लिए अपने सारे सिस्टम से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती तो हम पेशेंट की उस रिक्वेस्ट को फॉलो कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, कभी आपको किसी ने आके बोला हो कि मेरे बच्चे का जन्माष्टमी पे होना चाहिए, कृष्ण जैसा बने, या फिर किसी इस तरह का रिलीजियस, इस तरह के भी पेशेंट्स आते हैं आपके पास? नहीं, बिल्कुल किसी भी मदर ने आज तक आके रिक्वेस्ट नहीं करी कि मेरे को स्पेसिफिक उसी डेट पे हमें बेबी चाहिए। मतलब सिर्फ वो टाइम जरूर देखते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि अच्छा। डॉक्टर साहब, एक आप उन, जैसे आपने बहुत विस्तार से बताया है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज भी पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं लेकिन उनके पास अपने लिए समय नहीं है, फिर बाद में कहते हैं ना जी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और उसी पैसे को फिर अपनी हेल्थ बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। हेल्थ ही, वो हमारी पुरानी सेइंग भी है ना, हेल्थ इज वेल्थ। जी ठीक है ना। तो हमें आजकल की दुनिया में पैसा एक बहुत बड़ी ताकत का है, ये सभी मानते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम उसके पीछे अपनी हेल्थ को गंवा दें। अपनी हेल्थ के लिए हमें 1-1.5 घंटा रोज के अपने शेड्यूल में से जरूर निकाल के, जिस भी तरह से आप अब उसको यूटिलाइज कर सकते हो, वॉक करनी है, योगा करना है, जिम जाना है, सैर करनी है, जैसे भी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें उसे 1-1.5 घंटे को अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपसे पर्सनल सवाल है। मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप 4 बहनें हैं। हाँ जी। तो आज भी देखिए, तब आपके पेरेंट्स ने कभी आप में कुछ फ़र्क किया, जिस तरह आजकल समाज में आज भी बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे पकड़े भी गए हैं। मतलब अगर तब की बात करें जब आपने देखिए, अब आप डॉक्टर बनाया, आपको आपकी और बहनें भी अच्छी सेटल, उस बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना। दीपक जी, मेरे फादर बहुत पुराने टाइम के अच्छे पढ़े हुए थे, ज्योग्राफी के लेक्चरर थे जी, और मेरी मदर भी सोशियोलॉजी की लेक्चरर थी जी। जब मैं और मेरी जो छोटी बहन है, हम दोनों बहनों में सिर्फ 1.5 साल का डिफरेंस था। मेरे फादर चाहते थे कि हम 2 ही बहनें रहें जी, लेकिन क्योंकि मेरी मदर अकेली बेटी थी अपने पेरेंट्स की, मेरे नाना नानी की अकेली बेटी थी जी, तो वो उधर से सोशल प्रेशर की वजह से ना, फिर जो मुझसे और मेरी थर्ड सिस्टर में, हम दोनों में 7 ईयर्स का डिफरेंस है जी, उसके बाद उस सोशल प्रेशर की वजह से मेरे फादर मदर ने दोबारा वो किया और मेरी थर्ड सिस्टर हुई, और मेरी जो फोर्थ सिस्टर, उसमें और मेरे में 12 ईयर्स का डिफरेंस है जी, और उसी वजह से वो बस, हालांकि उस सोशल प्रेशर की वजह से हम 4 बहनें हो गई, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने हम चारों को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया है। वो यही कहते थे कि बेटियों को इस लायक बनाओ कि लोग आके खुद अपना रिश्ता मांगे। और आप मानोगे, मेरी जो फोर्थ सबसे छोटी वाली सिस्टर है, वो HR है लंदन में, लंदन की किसी कंपनी में HR है जी। उसके लिए हमारे घर पे कम से कम लड़कों के 15-20 रिश्ते आए थे। हमें सब लोगों को मना करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सब पापा के बड़े क्लोज थे, तो किसको मना करें, किसका रिश्ता लें, उस चक्कर में हमें बहुत, मतलब इतने ज़्यादा हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे ना कि इतने ज़्यादा रिश्ते और किसको, सब अच्छे अच्छे घरों के लड़के, तो बहुत डिफिकल्टी हुई हम उसकी शादी में, डिसीजन लेना ही बहुत मुश्किल हो गया। तो आप देखिए, आप भावुक हो रही हैं सब चीजें बताते हुए। हाँ। तो कभी आपके पेरेंट्स ने, ये देखिए समाज है आजकल, बहुत सारी बातें भी सुनने को मिलती हैं, कभी आपको, जिस तरह आजकल भी यही स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा रहता है, नहीं जी मुंडा जरूर होना चाहिए, तो कभी आपको इस तरह की फीलिंग्स आई हो? नहीं दीपक जी, उसके लिए मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मेरी मदर आज भी मेरे पास रह रही है जी, ठीक है। तो वो किस लिए? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मदर को सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये हम अगर अपनी इस सोसाइटी में इस धारणा को चेंज करेंगे ना कि लड़का ही होना चाहिए, पेरेंट्स को लड़कों के पास ही रहना चाहिए, तो वो सोसाइटी में हम लोग ही चेंज करेंगे। अगर हम ही चेंज नहीं करेंगे तो वो चेंज कैसे आएगा? ठीक है ना। तो हमें ये, तो अगर हम अपने बेटों और बेटियों को बराबर रखेंगे, बराबर समझने की कोशिश करेंगे, तो ही धीरे धीरे ये चेंज सोसाइटी में आएगा। और मैं देख रही हूँ अपने काफ़ी पेशेंट्स को जिनकी बेटियाँ पहली होती हैं, वो बहुत खुश होती हैं, खुद लेडीज़ भी बहुत खुश होती हैं। तो मैं खुद देख रही हूँ कि सोसाइटी में चेंज आ रहा है, और हर चेंज धीरे धीरे आता है। तो आप उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहें जो आज भी बेटे की चाह में बच्चियों को गर्भ में मरवा रहे हैं? बहुत गलत है। मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। आप अपनी बच्चियों को, वही बात है ना, मेरे फादर की बात है कि आप अपनी बच्चियों को इस लायक बनाओ कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। दहेज की जो हमारी उसमें सोसाइटी में एक चलन है, उसको हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लड़कियों के घर से ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, हमारी बहुएँ क्या ला रही हैं, क्या नहीं ला रही हैं, इस चीज़ को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और इसको हम अगर लेडीज़ ही करेंगी तो ही ये होगा, क्योंकि आपने भी अपने घरों में देखा होगा, अपनी सोसाइटी में देखा होगा कि जेंट्स बहुत कम ये बोलते हैं कि ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं दिया, है ना, ससुराल से ये नहीं आया। ज्यादातर ये जो कंप्लेंट्स होती हैं ये मदर इन लॉज और सिस्टर इन लॉज के बाद से ज्यादा होती है। जी जी। तो अगर हम लेडीज या हम लेडीज को सपोर्ट नहीं करेंगी तो कैसे हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी? और सब कुछ आप संदेश देना चाहें कुछ जनरेशन को? देखो, यंग लड़कियों को से तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि अपना एचबी चेक करवाएं, जी, है ना, और स्कूल में, स्पेशली स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको भी अपने बच्चियों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि स्टडीज़ के साथ साथ वो उनकी हेल्थ की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। काफ़ी स्कूल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा, अगर हम बच्चियों को अपना शुरू से उनकी तरफ ध्यान देंगे, उनकी सेहत की तरफ, और ये जो बेस लाइन उनका एचबी है उसको हम 12 के आसपास रखेंगे, चाहे डाइट हो, चाहे हम आयरन सप्लीमेंट्स दें, चाहे उनको पीरियड से रिलेटेड उनको सारी नॉलेज दें कि जब भी ज़्यादा पीरियड आए तो वो रिपोर्ट करें। ये सारी चीज़ें अगर हम देंगे, हमारी बच्चियां अगर अच्छी यंग एडल्ट्स में ग्रो करेंगी तो ही हमारी सोसाइटी आगे अच्छी बनेगी। ये थी डॉक्टर प्रीति देव, इनके हस्बैंड डॉक्टर राजीव देव हैं, मेडिकल कॉलेज से वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली थी उन्होंने, इन्होंने अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, देव हॉस्पिटल। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि आज बच्चियों और बेटों में फ़र्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो लोग जो आज भी बेटों की चाह में बच्चियों को मरवा रहे हैं, ये एग्जाम्पल आपके सामने हैं। चार बहनें और चारों ही बहुत अच्छी सेटल हैं और देखिए अपने अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। और सबसे जो बड़ी बात इन्होंने कही है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखकर अनीमिया से बचा जा सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है, जो ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो आज भी लोग अपनी सेहत को लेकर जागरूक क्यों नहीं है, ये समझ से परे है। अपना ध्यान जरूर रखें, अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालें। हमें दे इजाज़त, नमस्कार। हमारा ये मकसद था, इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि आपको कैसे स्वस्थ रखा जा सके। नमस्कार, धन्यवाद।